उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो में विश्रांति। आज मैं थोड़ी सी रूटीन बता दूँ। आज हम लोगों ने रात का खाना बनाना है लोगों के लिए, और आज आलू गोभी पकाने वाले हैं हम लोग। और ये बहुत अगर उसने की आवाज़ आ रही है, आज मौसम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो थोड़ा दोपहर का टाइम है, शाम होने वाली है, तो उससे पहले पहले हमें है कि हम लोग खाना बना लें, रोटी वगैरह पका के तैयार रख लें, क्योंकि उसके बाद जाना है हम लोगों ने बाजार, कुछ चीज़ें भी खरीदनी है। और अगर उसकी भी वीडियो मेरे से बन सकी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और मम्मा से भी मनवाऊँगी आप लोगों को। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो काइंडली से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये तो खैर रोज़ का ही काम है, तो हर टाइम की वीडियो की जानी, मामा से भी मिलवाती हूँ। तो चलिए सो व्यूअर्स, ये देखो मामा भी कुछ कहने लगी थी। मामा क्या कहने लगी थी आप? मैं कहने लगी थी, आपको बताने वाली थी कि आज हम आलू गोभी बनाने लगे हैं। आलू गोभी ये ऑयल में प्याज डाल दिया गया है, और अब इसको ब्राउन होने का वेट करेंगे हम लोग। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और टमाटर डालेंगे। हाँ जी, आज आलू गोभी पकाना है हम लोगों ने। काफ़ी दिन हो गए थे ये सालन नहीं खाए, और सुबह फिर आलू गोभी वाले पराठे बना लेंगे, वो भी बड़े टेस्टी लगते हैं। सारे शौक से खा लेते हैं। हाँ जी, बना लेंगे आलू गोभी वाला पराठा। मेरा तो फेवरेट है आलू गोभी वाला पराठा। सबका मुझे बहुत पसंद है। हम सब घर वाले माशाल्लाह शौक से खा लेते हैं आलू गोभी का, मूली का, आलू मेथी का भी। हाँ, आलू मेथी का भी बहुत मज़ा। और भी, और अभी आपको हम अपनी तैयारी दिखाते हैं, ये देखें। और ज़रा मैं मौसम का हाल भी आपको दिखाती हूँ। बादल हैं थोड़े थोड़े से, नीला आसमान, ऊपर एक कौवे भी बोल रहे हैं। यहाँ से इधर एक कौवा बैठा हुआ है, कौवा बैठा है। कैमरे में पता नहीं आ रहा है नज़र कि नहीं, पर इधर से साफ नज़र आ रहा है मुझे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये टमाटर का, ये सब्ज़ी मिर्ची, ये मैं डालने लगी हूँ प्याज। और भी और से देखते हैं, तड़का भुना जा रहे हैं। ये थोड़ा सा भुना जाएगा, फिर उसके बाद नमक, मिर्च और हल्दी डालेंगे। फिर साथ में आलू भी पड़े हुए हैं, ये देखें। गोभी है जी, और इसके मामा ने काट के रखी हुई है। बस थोड़ी देर तक हमारी हंडिया पक जाएगी। हो गया, और मामा अभी एक और काम कर रही हैं, रोटियां भी पकानी हैं, तो मामा थोड़ा उस तरफ हो गई हैं। मामा ने कहा थोड़ा सा हंडिया को देख लूँ मैं। एक तड़का थोड़ा बस भून लिया गया है, ब्राउन हो गया है, प्याज जैसे अदरक भी हो गया ब्राउन, और मिर्ची तो वैसे ही बेचारी हल हो गई हैं, ये देखें। अब इसमें हम लोगों ने डालने हैं हल्दी, नमक, और ये लाल मिर्च, और ये सॉल्ट। ऐसे डालेंगे, मुझे बड़ा मज़ा आता है। इनको भी थोड़ा सा तो व्यूअर्स, तड़का भूल गया कि अब मैं इसमें आलू डालने लगी हूँ। आलू को पहले इसलिए डालना है क्योंकि इनके थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, वो भी बेचारी नाजुक सी होती है ना, तो वो जल्दी से गल जाती है। उसके बाद हमारी हंडिया फटाफट से तैयार हो जाएगी, फिर हम लोगों ने लोगों को तकसीम करने जाना है, बाजार भी जाना है, आज बहुत सारे काम करने हैं, और इम्तियाज जरा जल्दी जल्दी से हम लोग लगे हुए हैं। और मौसम का हाल भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है।
सो व्यूअर्स, आलू को भून लिया है, अब इसमें गोभी डालेंगे। इतना कलर मज़े का आया है आलू का। आलू और गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से गोभी में भी जल्द हो जाए, उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, बाबा ऑफिस से आ गए हैं और हमारी हेल्प करवा रहे हैं। पापा मुझे कह रहे थे तुम मिक्स नहीं सही कर रही, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, तोड़ लगाया जा रहा है। ये फर्क दिखा रहे मामा, मेरी मिक्स की हुई हंडिया में कितना फर्क था, और बाबा ने देखे कितने अच्छे से मिक्स किया है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया। हाँ, ये साइड से साफ कर लेते हैं इसको। तो व्यूअर्स, अभी मामा रोटी पका रहे हैं, थोड़ी देर तक हम लोग पैकेट्स बना लेंगे ये रोटी पकाने के बाद, और फिर हम लोग घर से निकल पड़ेंगे खाना तकसीम करने के लिए। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, तो चलिए हमारे साथ। तो व्यूअर्स, ये देखिए हम लोगों ने पैकेट्स बना लिए हैं और मामा इसको एक चॉपर में डाल रही है। तो व्यूअर्स, ये देखें वापसी पे मुझे कुछ भेड़ बकरियां नजर आई, मुझे काफी अच्छा लगा किस तरह से दौड़ दौड़ के जा रही हैं झुंड में, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ये देखें व्यूअर्स, रास्ते में एक बार ये गन्ने को छील के रखा गया और इसके इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस किए जा रहे हैं और फिर इनको बेचा जाता है। मेरे भाई को ये बहुत पसंद है, हेल्दी है, इससे शुगर बनती है, फिर आप इसके गन्ने की खीर भी बना सकते हैं। मैंने बाबा को कहा कि इधर बाइक रोके, मुझे पहले वीडियो बनाने दे, फिर हम उसके बाद घर चलेंगे। ये इसका नाम बताएं जिसे काट रहे हैं। ये सलौंटा है। क्या है? ये सलौंटा है। सलौंटा। सलौंटा? भाई ये दिखाना जरा किस तरह का बना है, खोल के दिखाना। और व्यूअर्स, अभी अभी घर आए हैं और ये देखिए बारिश होने लगी है, बादल गरजने की भी आवाज़ आ रही थी तो आज बारिश भी हो गई।